बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हमारा 22वां लेक्चर है और आजकल जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, और इस टॉपिक के थ्रू हम सॉल्यूशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। और जो पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन या उससे जो अभी तक जो हमने काम किया है और उसमें हमने हीट कंडक्शन हीट प्रॉब्लम को डिस्कस किया है और देन वेव इक्वेशन को डिस्कस किया है। वेव इक्वेशन का एक छोटा सा पार्ट हम आज भी डिस्कस करेंगे और देन हम लैप्लास इक्वेशन को देखेंगे, ठीक है। और लैप्लास इक्वेशन को मैं स्पेशल फॉर्म ऑफ हीट कंडक्शन प्रॉब्लम लूंगा इन टू डायमेंशन, ठीक है। बेसिकली इस सारी बात करने का मकसद ये था कि आज ये जो टॉपिक चल रहा है इसमें हमने फोकस करते हैं कि जो आपके पास दो ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस आती हैं, एटलीस्ट उनमें से एक ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस के रेफरेंस से जो बाउंड्री कंडीशंस हों वो होमोजीनियस हों, सो दैट यू कैन गेट योर द वैल्यूज ऑफ योर कांस्टेंट्स एंड देन फॉर द सॉल्यूशन ऑफ अदर डिफरेंशियल इक्वेशन दैट इज डिपेंडिंग ऑन मे बी टी on time, if you are in the wave phenomena then you have two initial conditions and if you are in a heat phenomena then you have only one initial conditions. तो then आप उसको अपने final solution पे apply करके जो आपका final constant है उसको आप evaluate करते हो, और of course वो जो final constant है वो या तो Fourier series जो general Fourier series है उससे आप जिसमें अगर ए नॉट और ए एन और बी एन तीनों इन्वॉल्व हूँ तो आप उनको मैंने इससे पहले फोरियर का जो लेक्चर पढ़ाया हुआ है उसमें मैंने आपको बताया था कि हाउ टू गेट दी इज हो आर द फार्मूलाज ऑफ दीज फोरियर कोफिशिएंट्स एंड नाउ देन देर इज वन स्पेशल केस जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था बल्कि शायद लास्ट में जिसमें हमने जनरलाइज फोरियर सीरीज को भी डिस्कस किया था जी, ठीक है। और फिर फोरियर साइन और फोरियर कोसाइन सीरीज को भी हमने देखा था कि वहां से जो कोफिशिएंट्स आते हैं आपके पास जो फाइनल सॉल्यूशन है उसके कोफिशिएंट या तो वो फोरियर साइन सीरीज से या फोरियर कोसाइन सीरीज से भी आप उसको इवेल्युएट करते हो जी। तो बेसिकली ये सारा सेपरेशन ऑफ वेरिएबल डिपेंड करता है कि हाउ गुड यू आर इन द फोरियर सीरीज, आप फोरियर सीरीज आपको कैसी आते हैं जी, ठीक है। और इसीलिए मैंने अपना वन एंड हाफ लेक्चर जो है वो फोरियर सीरीज के ऊपर डिपेंड किया था, और मैंने आपको कहा था कि प्लीज लुक एट मिलर्स बुक, उसमें फोरियर सीरीज को बड़े अच्छे अंदाज से फॉर बिगनर, बेसिकली जो बिगनर्स होते हैं ना उनके लिए उसने लिखी है वो बुक, और वहां उसने बड़े अच्छे अंदाज से फोरियर सीरीज को डिस्कस किया हुआ है। और इसमें मैं थोड़ा सा बताता चलूं कि आप फोरियर मिलर की बुक तो मैंने बता दी, इसके अलावा हैबरमैन की बुक में भी बड़े अच्छे अंदाज से उसने क्वेश्चन टू क्वेश्चन उसने फोरियर कोफिशिएंट्स को और फोरियर सीरीज को डिस्कस किया हुआ है। तो आप काइंडली इसको जरूर देखें, और क्योंकि आपके जो क्विजेज होते हैं या आपके जो स्पेशली क्विजेज वो मल्टीपल चॉइस के होते हैं तो इसमें बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अरेज हो सकते हैं, जैसे ऑर्थोगोनैलिटी, जैसे नॉर्मैलिटी, जैसे कोई और इससे रिलेटेड, जैसे कोफिशिएंट ऑफ फोरियर साइन सीरीज या ये आपको सारे आपको मैं ये नहीं कह रहा कि आपको रटा मारना चाहिए, क्यों बल्कि आप इनको डिराइव करें, जब आप डिराइव करेंगे तो बहुत सारी चीजें खुद ब खुद आपको पता होंगी, ठीक है। तो बहरहाल आज की ये जो मोटिवेशनल स्पीच है मेरी जो 10-5-7 मिनट हो रहे हैं जिस बात के ऊपर वो यही है कि विदाउट गुड नॉलेज ऑफ फोरियर सीरीज यू कैन नॉट एक्सपेक्ट अ सोल्यूशन फॉर अ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन वाया सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स जी, आप सेपरेशन ऑफ वेरिएबल से नहीं निकाल सकते जी। आज का लास्ट लेक्चर में जो हमने पढ़ा था हीट इक्वेशन में वो है हीट कंडक्शन इन ए थिन यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, एंड इन द सेकंड स्टेप वी स्टार्ट फॉर द वेव इक्वेशन जी। यानी लास्ट लेक्चर में हमने हीट एक सर्कुलर रिंग ली थी हमने, और सर्कुलर रिंग को फिर हमने कट करके उसको रॉड एल की शेप में ले गए थे
जो एक हमारी इमेजिनेशन थी, अदरवाइज तो हमने सर्कुलर रिंग के ऊपर ही बात करनी है। कट तो हमने जस्ट अपने सहूलत के लिए किया था, जो उसका मॉडल रॉड का हमारे पास मौजूद था, उस मॉडल को फिर हमने यूज किया था और उससे स्पेशल टाइप ऑफ बाउंड्री कंडीशंस बनी थी जो एल के ऊपर ही थी। एल और माइनस एल उसका एक ही पॉइंट बन जाता था क्योंकि वो एक रिंग की शेप में था। उसके बाद फिर हमने वेव इक्वेशन को टच किया था और वेव इक्वेशन और हीट इक्वेशन में जो माइनर डिफरेंस है, इट्स नॉट ए माइनर, बेसिकली जो थोड़ा सा फर्क नजर आता है वो है आपकी वेव इक्वेशन डिपेंड करती है डबल डेरिवेटिव ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी उसमें टी के दो दफा डेरिवेटिव लेते हो, जबकि हीट इक्वेशन में जस्ट वन डेरिवेटिव होता है। तो उसी रेफरेंस से आपके पास हीट इक्वेशन में इनिशियल कंडीशन भी एक होती है और वेव इक्वेशन में इनिशियल कंडीशन आपके पास दो होती है, ठीक है। तो आप फिर हमने इसका जो एक ही टॉपिक किया था और उसके बाद ड्यू टू टाइम कॉन्स्टेंट्स वी जस्ट लेफ्ट एट स्ट्रिंग विद फिक्स्ड एंड पॉइंट्स थी, हमने उसमें फिक्स्ड एंड पॉइंट्स के साथ उसको सॉल्व किया था। और इसमें आपने देखा था कि टाइम के रेफरेंस से भी आपके पास जो सोल्यूशन आ रहा है वो साइन हाइपरबोलिक और कॉस हाइपरबोलिक में आ रहा था, और उसको फिर आपने बड़े डिटेल के साथ हमने और आपने मिलकर उसको एक एग्जाम्पल भी हमने उसे सॉल्व की थी और उसके कोफिशिएंट्स भी हमने उसी तरह से फाइंड आउट करने की कोशिश की थी, ठीक है। नॉट हाइपरबोलिक, बेसिकली स्टिल नॉट हाइपरबोलिक टू भी आने हैं, उसमें भी टी और जो टी के रेफरेंस जो सोल्यूशन आया था वो एच के रेफरेंस के साथ जो सोल्यूशन था वो सेम ही ऑलमोस्ट था, जस्ट उसमें एक कांस्टेंट सी ज्यादा हो रहा था। और देन हमने इनिशियल और दोनों इनिशियल कंडीशन जब अप्लाई की थी तो फिर हमें उससे कोफिशिएंट्स भी मिल गए थे। तो प्लीज हैव अ लुक फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन योर लास्ट लेक्चर, एंड व्हाट आई एम गोइंग टुडे आई विल डिस्कस द वन मोर स्पेशल केस ऑफ वेव इक्वेशन एंड देन आई विल डिस्कस द लैप्लास इक्वेशन, जी के लैप्लास इक्वेशन को मैं कैसे सॉल्व करूंगा। तो लैप्लास इक्वेशन के होती क्या ऐसी है, जो अपनी मॉडलिंग है, लेकिन एट द मोमेंट वी आर टेकिंग जस्ट द हीट कंडक्शन प्रॉब्लम इन टू डायमेंशन विद इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम टेम्परेचर यानी कि पूरे उसके लिए टेम्परेचर उसका सेम है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, सो पार्शियल यू बाय पार्शियल टी इज मस्ट बी इक्वल टू जीरो, जी ठीक है। वो टाइम इंडिपेंडेंट हो रहा है, वो टेम्परेचर जस्ट डिपेंड कर रहा है आपके डिस्प्लेसमेंट वेरिएबल के ऊपर, एक्स और वाई के ऊपर, क्योंकि अब आपके पास तीन वेरिएबल हो रहे हैं ना, हीट कंडक्शन इन टू डायमेंशन जब आप बात करते हो तो तीन वेरिएबल हो रहे हैं टी एच एंड वाई, और जब फिर आप इक्विलिब्रियम लेते हो तो टी तो जीरो हो जाएगा या पार्शियल यू बाई पार्शियल टी जो है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि यू इज इंडिपेंडेंट ऑफ टी, सो यू आर लेफ्ट ओनली विद पार्शियल टू यू बाई पार्शियल एच स्क्वायर प्लस पार्शियल टू यू बाई पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, जी ठीक है। तो इसको फिर हम एड्रेस करेंगे और इसका मैं आपको थोड़ा हिंट दूंगा और अगर टाइम हुआ तो मैं जरूर सॉल्व भी करूंगा, अदरवाइज मैं इसको आपके लिए छोड़ूंगा, जी ठीक है। तो जो पहला था कि पहले हमने फिक्स्ड एंड पॉइंट्स लिए थे, जब हम इसको फ्री एंड पॉइंट्स लेंगे तो उसकी जो वेलोसिटी हो रही है एट बोथ एंड हम उसको जीरो ले लेते हैं, कि वो फ्री तो है फिक्स नहीं है लेकिन वो जस्ट विदाउट उनकी जो वेलोसिटी है यू एक्स सॉरी उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है सॉरी वेलोसिटी तो मैं इसको जी एफ एक्स लूंगा, उसकी इनिशियली वेलोसिटी यू टी जो है, लेकिन उसकी डिस्प्लेसमेंट इनिशियल पॉइंट के ऊपर भी विद और फाइनल पॉइंट के ऊपर भी विद यू पार्शियल यू पार्शियल एक्स एक्स के रेफरेंस से जो उसकी मूवमेंट हो रही है वो जीरो होगी और उसके एंड पॉइंट के ऊपर भी उसकी मूवमेंट जीरो होगी, और उसकी जो वेलोसिटी होगी वो जी एफ एक्स होगी और उसकी जो डिस्प्लेसमेंट या मूवमेंट या जो भी आपको यू एफ एक्स जीरो एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पर वो इज इक्वल टू एफ एफ एक्स है जी। तो ये आपके पास इनिशियल कंडीशंस हो जाएंगी दो, और ये दो आपके पास बाउंड्री कंडीशंस हो रही, तो ये दोनों बाउंड्री कंडीशंस और ये दोनों इनिशियल कंडीशंस टोटल आपके पास चार बाउंड्री कंडीशंस चार कंडीशंस हो रही। तो आप देखो जब आप सेपरेट करोगे तो इसके रेफरेंस से यू एट सेट्स के रेफरेंस से बेसिकली आपके पास यू एफ एट जीरो टी और यू एफ एट एल टी ये दो आपके पास इक्वेशन आएंगी, और इसी तरह यू टी टी के रेफरेंस जब कैपिटल टी अगर आप लेते हो उसको तो आपके पास यहां पे दो इक्वेशंस आ जाएंगी, ठीक है।
इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, मैं आपको अभी थोड़ा सा हिंट देता हूँ। अब मैं सारी कैलकुलेशन सारी नहीं किया करूँगा, बल्कि इसमें से कुछ चीज़ें मैं निकाल के मैं लेके आया हूँ, तो वो मैं डायरेक्टली कुछ चीज़ों को मैं सॉल्व भी कर दिया करूँगा। बहरहाल एग्जाम्पल मैं थोड़ी सी डिटेल के साथ कर दूंगा, सो दैट यू कैन। और एग्जाम्पल मैं ऐसी हमेशा लेता हूँ, चूज करता हूँ कि जिसमें बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाए, ठीक है ना। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको 10 एग्जाम्पल देता हूँ असाइनमेंट के लिए या होमवर्क के लिए, तो वो 10 से 10 बेसिकली उस एक एग्जाम्पल को आप देखोगे होर से और उसको आप यानी फुली अंडरस्टैंड करोगे, तो अगली जो 10 एक्सरसाइजेज है वो बेसिकली डिपेंड ऑन दैट एग्जाम्पल। यानी हो सकता है कि कोई चीज डाइवर्ट हो रही हो, बट इफ यू अंडरस्टैंड द वेरी फर्स्ट एग्जाम्पल देन आई डोंट थिंक कि आपके लिए कोई इशू होगा अगली एग्जाम्पल्स को सॉल्व करने में जी, ठीक है। जैसे मैंने लास्ट में पीस वाइज फंक्शन ले लिया था इनिशियल कंडीशन के तौर पर, ठीक है, कि एट सर्टन टाइम ऑफ टाइम के लिए मेरे पास सॉरी बाउंड्री कंडीशन एट सर्टन एरिया के लिए मेरे पास ये था और सर्टन एरिया के लिए मेरे पास उसकी वैल्यू कुछ और थी। तो लास्ट तो इसी तरीके से हम आज भी एग्जांपल्स करेंगे जो आपके पूरे उस मेथोडोलॉजीज को कवर कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन पहले हम इसको डिराइव करेंगे जी, द स्ट्रिंग विद फ्री एंड पॉइंट्स जी। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम इज, इनिशियल बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम इज कौन सा था जी, यू टी टी इज इक्वल टू सी स्क्वायर यू एच सेट्स एंड अफकोर्स यू जो डिपेंड कर रहा है एच और टी के ऊपर, और ये मैं यहाँ भी लिख लूँ, तो आपका जो टी है वो इट मस्ट बी ग्रेटर देन जीरो एंड जो एच है वो लाइट रहता है जीरो और एल के दरमियान। इनिशियल पॉइंट में उस स्ट्रिंग का जीरो ले लेता हूँ और एंड पॉइंट उसका एल ले लेता हूँ, यानी उस पूरी स्ट्रिंग की जो मेरे पास लेंथ होगी वो एल जीरो टू एल लेंथ होगी, ठीक है। इसी जो बाउंड्री कंडीशन होंगी इसको मैं इक्वेशन वन कह दूँ, तो अब मैं इक्वेशन से नाम रखूंगा क्योंकि जब मैं इसको सॉल्व करने जाऊंगा तो मैं बीच में से कुछ स्टेप्स छोड़ता जाऊंगा जो हम बेसिकली करते आ रहे हैं, बहुत दफा हमने कर चुके हैं, तो अब आप उसको जस्ट फॉलो करोगे जी, ठीक है। अब या आप खुद आप उसको कैलकुलेट कर सकते हो। आप इसका जो बाउंड्री कंडीशन है एट यू ऑफ एच जीरो टी ये भी जीरो है और यू ऑफ एच एल टी ये भी जीरो है, इसको मैं इक्वेशन टू कह देता हूँ। और सिमिलरली मेरे पास जो इनिशियल कंडीशन है यू ऑफ एक्स जीरो दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स एंड यू ऑफ यू टी ऑफ यानी उसकी वेलोसिटी जो है वो भी जीरो है, जी ऑफ एक्स इक्वल है, दिस इज इक्वेशन थ्री जी। अब मैं अगर इसका सोल्यूशन देखना चाहूँ तो ऑफकोर्स मैं किस तरह की शेप में देखना चाहूंगा, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल में अप्लाई कर रहा हूँ, तो ऑफकोर्स मेरा जो सोल्यूशन होगा यू ऑफ एच टी दिस इज इक्वल टू नथिंग बट एक्स ऑफ एक्स एंड टी ऑफ टी। इस प्रॉब्लम में इक्वेशन नंबर फोर कहूँ, और अगर फोर और वन को मैं देखूँ फ्रॉम वन एंड फोर फ्रॉम इक्वेशन वन एंड फोर मेरे पास जो इक्वेशन आएंगी वो कुछ इस तरह की आएंगी, टी डबल डॉट अवर सी स्क्वायर टी इज इक्वल टू एच प्राइम अवर एच इज इक्वल टू माइनस लेमडा, लेमडा इज द सेपरेशन ऑफ कॉन्स्टेंट जी, ठीक है। सेपरेशन कॉन्स्टेंट लेमडा को मैं क्या कहता हूँ, सेपरेशन कॉन्स्टेंट जी। और इसके रेफरेंस से इसको मैं अगर यहाँ से मेरे पास दो इक्वेशन आ रहे हैं वो होंगी एच डबल प्राइम प्लस लेमडा एच इज इक्वल टू जीरो, और फिर इसके रेफरेंस जब मैं इसको मिलाता हूँ तो टी डबल डॉट प्लस लेमडा सी स्क्वायर टी दिस इज इक्वल टू जीरो जी। तो ये मेरे पास इक्वेशन नंबर फोर एंड देन दिस इज आई मस्ट से दिस इज फाइव जी। सो स्टूडेंट्स मैं इसको साथ साथ नंबरिंग इसलिए ऐड कर रहा हूँ कि मैं थोड़ा सा काम को स्पीड अप कर रहा हूँ, ताकि हम जो आज के इस लेक्चर में हम सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स को ख़त्म कर सकें, और कल का जो लेक्चर होगा उसमें फिर हम नया टॉपिक पढ़ें, ठीक है। सो टी डबल डॉट प्लस लैम्डा सी स्क्वायर टी इज इक्वल टू जीरो जी। जब ये आ जाए आपके पास तो अब आपको बाउंड्री कंडीशन देखनी है
स्टे रेफरेंस से और इनिशियल कंडीशंस देखनी है स्टे रेफरेंस से, तो इनिशियल कंडीशंस तो मेरी नॉन होमोजीनियस है, जब ये नॉन होमोजीनियस है तो फिर मैं इसकी इनिशियल कंडीशंस नहीं देखूंगा, क्योंकि जिस चीज होमोजीनियस है, होमोजीनियस मीन्स के राइट हैंड साइड जीरो है, तो इसको सॉल्व करना मेरे लिए इजी है, इसको और इसको जी, तो फिर मैं एच स्टे रेफरेंस से बात करूंगा कि जब यू ऑफ यू एच ऑफ जीरो टी जो होगा वो क्या होगा, एच प्राइम टी इज इक्वल टू जीरो, दिस इंप्लाइज टी तो जीरो नहीं हो सकता सिंस दिस इंप्लाइज टी इज नॉट इक्वल टू जीरो, सिंस टी इज नॉट इक्वल टू जीरो दिस इंप्लाइज एच प्राइम ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, ठीक है। सिमिलरली एच प्राइम ऑफ एल इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यू एच ऑफ एल टी जो है वो होगा एच प्राइम ऑफ एल टी दिस इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से टी फिर जीरो नहीं हो सकता सिंस टी डज नॉट इक्वल टू जीरो इंप्लाइज एच प्राइम ऑफ एल इज इक्वल टू जीरो जी। तो मैं इसको अगर ऐसे लिख लूं, दरमियान में मेरा ख्याल है मैं एक लाइन लगा लूँ ताकि मुझे थोड़ी सी सहूलत हो रही है, बार बार मैं स्लाइड चेंज न करता फिर मुझे, तो ये मेरे पास आ गया एच प्राइम ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो एंड एच प्राइम ऑफ एल इज इक्वल टू जीरो जी। तो इनको मैं इसको मैं इक्वेशन नंबर सिक्स कह देता हूँ जी, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर फाइव जो है, व्हाट इज माय इक्वेशन नंबर फाइव जी, सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर फाइव, तो मैं फाइव ए को लेता हूँ जी, मैं जस्ट इसको सॉल्व करता हूँ, क्योंकि इससे रेफरेंस जो मेरे पास बाउंड्री कंडीशन है वो होमोजीनियस है, और जब वो होमोजीनियस है तो फिर मेरे लिए ज्यादा आसानी है कि मैं उसको उस तरह से एड्रेस करूँगी। तो सॉरी आई मस्ट ड्रॉ व्हाट हैपेंड आई डोंट नो, सो दिस इज द स्लाइड and now come to the very next from this thing ji, so I must solve this plus lambda h is equal to 0 and for I must say that lambda is positive ji. ab yahan pe main kuch aaj main aapko lambda is equal to 0 ke upar bhi main aapko bataunga ke for lambda is less than 0 ke liye to ye case valid nahi ho raha, lekin aaj lambda is equal to 0 ke liye jab t ki bari aayegi to I hope ke I believe that wo valid ho raha ji, ठीक है, लेकिन वो देखते हैं कैसे। सो लैम्डा इज ग्रेटर देन जीरो ये आ गया, तो इसका जो सोल्यूशन होगा वो होगा एच ऑफ एच इज इक्वल टू ए वन क्रॉस ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा एच प्लस ए टू साइन ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा एच, इसको मैं इक्वेशन नंबर सिक्स हो रही थी इसको इक्वेशन नंबर सेवन कह देता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास सोल्यूशन आ गया, ये सोल्यूशन यहाँ से डायरेक्ट आएगा कैसे आएगा ये मैं बहुत दफा कर चुका हूँ, ठीक है। तो एच ऑफ एच ये आ जाए, एच प्राइम क्या हो रहा, एच प्राइम ऑफ एच यहाँ से ए वन माइनस का ए वन स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा साइन स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा एच प्लस ए टू स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा और साइन डेरिवेटिव क्रॉस स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा एच, ठीक है। अब मैं ये जो बाउंड्री कंडीशंस ऊपर आई हुई इनको यूज करूंगा, तो एच प्राइम ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो होता है, तो यहाँ पे देखें इनकी वैल्यू जब जीरो सब्सिट्यूट करूंगा तो माइनस ए वन स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा साइन या जीरो आ गया प्लस ए टू स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा ये भी जीरो आ गया, ओह सॉरी क्रॉस ऑफ जीरो आ गया एंड दिस इज इक्वल टू जीरो, सो क्रॉस जीरो वन आ गया और साइन जीरो जीरो हो गया, तो ये टर्म टू जीरो हो गई प्लस ए टू इंटू जीरो दिस गिव्स मी ए टू इंटू वन क्रॉस ऑफ जीरो वन होता है, क्रॉस ऑफ जीरो वन है तो ए टू इज इक्वल टू जीरो जी। जब ए टू जीरो है तो फिर ये जो इक्वेशन ये बनेगी मेरे पास वो एच प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस ए वन स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा साइन स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा एच जी। तो जब मुझे ये भी कंडीशन पता है सेकंड वन इज फ्रॉम दिस थिंग आई केम टू नो, इसको मैं अगर इक्वेशन नंबर एट कह दूं ताकि मुझे थोड़ी सी सहूलत हो जाएगी एंड पे, तो दिस इज माइनस ए वन स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा साइन स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा एल दिस इज इक्वल टू जीरो एंड दिस इंप्लाइज साइन स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा एल इज इक्वल टू जीरो और ये जीरो जो है ये दिस इज इक्वल टू साइन ऑफ एन पाए जी,
ऑफ कोर्स ये से इक्वल टू एन इज इक्वल टू जीरो वन टू अप टू सो ऑन जी. तो मेरे पास जो सोल्यूशन आएगा यहाँ से स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा एन एल जो हो रहा वो हो रहा एन पाई के इक्वल आ गया. तो लैम्डा ऑफ एन जो हो रहा वो एन पाई अवर एल होल स्क्वायर हो गया जी. ठीक है, लैम्डा एन की ये वैल्यू आ रही. तो जो मेरे पास इनिशियल सोल्यूशन होगा फ्रॉम सेवन टू, इसको मैं नाइन कह दूं अगर फ्रॉम सेवन टू नाइन, आई मस्ट से फ्रॉम सेवन टू नाइन. सो मेरे पास जो सोल्यूशन होगा एट्स ऑफ एट्स, दिस इज एट्स एन ऑफ एट्स, दिस इज इक्वल्स टू ए टू, तो पहले जीरो हो गया. तो ए वन क्रॉस ऑफ एन पाई ओवर एल, ऑफ कोर्स अब स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा ये यहाँ पे स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा है तो ये आ गया एट्स. ठीक है जी, और ऑफ कोर्स ये इसको में फिर ए एन मुझे कहना पड़ेगा. तो दिस इज इक्वेशन नंबर टेन जी. और एन क्या वेरी करता है जी, जीरो वन टू. अब देखिए अगर मैं एन टू वैल्यू जीरो देता हूँ तो ए नॉट मेरे पास आता है जी. ठीक है, और अगर एन की वैल्यू जीरो है, अगर एन की वैल्यू जीरो है यहाँ पर तो एल तो जीरो नहीं हो सकता, पाई जीरो नहीं हो सकता, तो स्क्वायर रूट ऑफ लैम्डा एन ये जीरो है. दिस मीन्स लैम्डा में यहाँ पे जीरो भी ले सकता हूँ जी. लैम्डा ग्रेटर देन ऑर इक्वल टू जीरो फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम जी, जिसमें आपके पास न्यूमन कंडीशंस हो वहां पे आप लैम्डा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो भी पॉसिबिलिटी होती है. ठीक है, ये जब हमने न्यूमन कंडीशंस सीखी तो वहां भी मैंने आपको ये बात बताई थी. बट लैम्डा इज लेस देन जीरो के लिए इट इज नॉट पॉसिबल. तो एट्स एन ऑफ एट्स इज इक्वल टू ए एन क्रॉस ऑफ एन पाई एल एट्स, ये आ रही आपके पास. तो अब फल दिस वन ये जो हमारे पास इक्वेशन बचे थी सेकंड, अब हमने इसको सॉल्व करना है. तो इसका जो सॉल्यूशन आएगा फ्रॉम फाइव बी वो क्या इक्वेशन थी जी, टी डबल डॉट प्लस सी स्क्वायर एंड मैं दोबारा देख लेता हूँ, सी स्क्वायर लैम्डा टी जी, दिस इज इक्वल टू जीरो जी. जब ये आ गया आपके पास तो फ्रॉम फाइव बी, दिस इज फाइव बी, तो टी एन ऑफ टी जो हो रहा वो इज इक्वल टू फॉर लैम्डा इज पॉजिटिव जी, फॉर लैम्डा ओनली पॉजिटिव के लिए टी एन ऑफ टी दिस इज इक्वल्स टू दिस इज समथिंग लाइक दैट बी वन एन. मैं आपको बताता हूँ मैंने वन एन क्यों लिया, बी वन एन क्रॉस ऑफ एन पाई ओवर एल एच प्लस एन पाई सी ओवर एल टी, क्योंकि अब टी में बात हो रही है ना, तो एच में तो बात नहीं हो रही तो टी में बात हो रही है. तो बी टू एन साइन ऑफ एन पाई सी ओवर एल टी, टी टू बी यहाँ पे मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ. तो ये मेरे पास टी एन ऑफ टी आ जाएगी. ठीक है, एंड फॉर लैम्डा इज इक्वल टू जीरो के लिए मेरे पास जो इक्वेशन हो रही टी डबल डॉट इज इक्वल टू जीरो. और इस इक्वेशन को मैं लेट मी गिव दिस इक्वेशन अ नेम 11. तो टी डबल डॉट इज इक्वल टू जीरो, तो यहां से टी जो हो रहा वो ए नॉट बी वन जीरो प्लस इसको कांस्टेंट है बी टू जीरो टी, ये दोनों बी वन जीरो और बी टू जीरो दोनों कांस्टेंट है. मैं आपको अभी बताता हूँ ये क्या कैसे लिखा है मैंने. लुक एट दिस, इसको अगर मैं डिवाइड कर लूँ तो मेरे लिए थोड़ी सहूलत हो जाएगी. और इसको मैं लिखता हूँ टी डबल बार इज इक्वल टू जीरो, तो एक दफा इंटीग्रेट करेंगे तो टी डॉट इज इक्वल टू ए नॉट लेट से कांस्टेंट, इसको मैं बी कह देता हूँ उसके साथ टैली करने के लिए बी वन जीरो कह देता हूँ. ठीक है, ये मैं स्पेशल नाम ले रहा हूँ क्योंकि जब मैं इसको फाइनलाइज करूँगा तो मुझे लिखने में थोड़ी आसानी रहेगी बी वन जीरो. और जब मैं इसको डबल इंटीग्रेट करता हूँ तो इसके साथ टी आ जाएगा, तो दिस इज ओ इसको मैं बी टू जीरो कहता हूँ, तो बी टू जीरो टी प्लस बी वन जीरो जी. तो टी जो है टी ऑफ टी इज इक्वल टू बी वन जीरो प्लस बी टू जीरो टी जी, ये मेरे पास आ गया. इसको मैं इक्वेशन नंबर 12 कह देता हूँ. तो जो मेरे पास इक्वेशन 10 से, अब मैंने जैसे पहले बताया इस इक्वेशन से इक्वेशन नंबर 10 से मैं एच ऑफ जीरो भी देख सकता हूँ. एच ऑफ जीरो क्या होगा, ए नॉट, सिंपल एच ऑफ जीरो इज सिंपली ए नॉट जी. सो मैं लिखना भी चाहूँ इसको तो लिख सकता हूँ,
कि एच ऑफ जीरो जो हो रहा वो ए नॉट हो रहा जी, ठीक है। बहरहाल यू नो दिस थिंग, मैं क्यों बता रहा हूँ, आगे चल के मैं जो समीशन है मेरा सुपरपोजिशन प्रिंसिपल जो मैं लिखता हूँ कि प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या रहता है, मेरा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वो मेरा कह रहा है कि यू ऑफ एक्स टी बेसिकली दिस इज इक्वल टू समीशन, अगर ये सारे इससे सोल्यूशन है यू एन ऑफ एक्स टी तो उनका सम भी उसका सोल्यूशन हो रहा जी। इसको अगर आप मुझे अलाउ करो तो मैं सुलझ सकता हूँ कि यू नॉट ऑफ एच टी प्लस समीशन ऑफ एन इज इक्वल टू जीरो एन एन फ्रॉम वन, क्योंकि आपने एट एन इज इक्वल टू जीरो साइड पर डाल लिया तो एन इज इक्वल टू वन टू इन्फिनिटी यू एन ऑफ एच टी जी, ठीक है। और आप ये बात जानते हो कि यू ऑफ एच टी दिस इज इक्वल टू यू नॉट ऑफ एच टी क्या और एच नॉट ऑफ एच टी नॉट ऑफ टी, ठीक है। और क्योंकि इसको मैं टी नॉट कह सकता हूँ, वाई टी नॉट फॉर एन इज फॉर टेटिन लेमडा इज इक्वल टू जीरो मीन्स एन इज इक्वल टू जीरो जी, ठीक है। तो इसको मैं टी नॉट भी कह सकता हूँ जी। तो प्लस समीशन एन वेरीज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी एच एन टी एन एन दिस थिंग जी। तो इसमें मैं जो वैल्यूज कैलकुलेट की है मैंने वो वैल्यूज मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। तो एच नॉट की वैल्यू जो है वो ए नॉट मैंने अभी अभी एच ऑफ टी दिस इज इक्वल टू, ये देखिए एच नॉट की वैल्यू ए नॉट और टी नॉट की वैल्यू बी वन जीरो प्लस बी टू जीरो टी प्लस समीशन एन वेरीज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी और एच एन जो था वो मेरे पास था ए एन क्रॉस ऑफ एन पाई ओवर एल एच इन टू बी वन एन साइन क्रॉस ऑफ एन पाई सी ओवर एल टी प्लस बी टू एन साइन ऑफ एन पाई सी ओवर एल टी जी, ठीक है जी। अब अगर इसको मैं रीराइट करके लिखना चाहूँ तो ये कुछ इस तरह की गेम बनेगी मेरे पास, ए नॉट बी वन जीरो प्लस ए नॉट बी टू जीरो टी एंड प्लस ये समथिंग लाइक दैट, इसको अगर आप लिखो तो क्या बनेगा जी, ये समीशन एन वेरीज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी ए एन बी वन एन क्रॉस ऑफ एन पाई ओवर एल एच और क्रॉस ऑफ एन पाई सी ओवर एल टी प्लस ए एन बी टू एन क्रॉस ऑफ एन पाई ओवर एल एच और साइन ऑफ एन पाई सी ओवर एल टी जी, ठीक है। और अगर मैं इसको लिखना चाहूँ तो इसको ए नॉट प्लस ए नॉट या सॉरी ए वन जीरो एंड ए टू जीरो टी दिस इज ए टू जीरो टी मैं इसको स्पेशल नाम दे देता हूँ प्लस समीशन एन वेरीज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी ए वन एन क्रॉस ऑफ एन पाई ओवर एल एच क्रॉस ऑफ एन पाई सी ओवर एल टी जी प्लस ए टू एन क्रॉस ऑफ एन पाई ओवर एल एच साइन ऑफ एन पाई सी ओवर एल टी जी, ठीक है जी। ये समीशन सारे के लिए था इस पूरी इस ब्रैकेट के अंदर जी। तो जबकि मेरा ए ना ए वन जीरो इज इक्वल टू ए नॉट बी वन जीरो और सिमिलरली मैं इसे जनरलाइज करना चाहूँ तो ए वन जीरो ए वन एन इज इक्वल टू ए एन बी वन एन एंड ए टू एन इज इक्वल टू ए एन बी टू एन जी, ठीक है। तो ये इसके इक्वल हो जाएगा जी ये ट्रांसिटेंसी। तो बेसिकली व्हाट इज दिस, दिस इज योर सॉल्यूशन विद अननोन ट्रांसिटेंसी। कितने ट्रांसिटेंट अननोन है, यू ऑफ एच टी इधर मैं लिख लेता हूँ। तो कितने ट्रांसिटेंट अननोन है, ए वन जीरो ए टू जीरो ए वन एन एंड ए टू एन, ये चार ट्रांसिटेंट अभी मेरे पास इस केस में
वी हैव टू फाइंड दीज फोर कॉन्स्टेंसी। इसको मैं एरर दोबारा यहाँ पे लिख लेता हूँ ताकि आप आसानी रहे। यू ऑफ एच टी दिस इज इक्वल्स टू ए वन जीरो प्लस ए टू जीरो टी प्लस समीशन एन वेरीज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी एन वेरीज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी क्रॉस ऑफ एन पाई एच ओवर एल कॉमन ले लो तो ये आ गया मेरे पास ए वन एन क्रॉस ऑफ एन पाई सी ओवर एल टी प्लस बी वन एन सॉरी ए वन ए टू एन जी ए टू एन सॉरी ये हमने रखा था ए टू एन साइन ऑफ एन पाई सी टी ओवर एल डिस्टेंस। इसको मैं इक्वेशन नंबर 13 कहता हूँ जी। ठीक है, और अब इन कोफिशिएंट्स को मैंने कैसे कैलकुलेट करना है। ऑफकोर्स मेरे पास इनिशियल कंडीशन मौजूद है जी, दो इनिशियल कंडीशन मेरे पास मौजूद है जी। ठीक है, तो u ऑफ एच टी जो हो रहा u डैश ऑफ एच टी जो हो रहा वो अगर आप मुझे अलाउ करो तो ये ए टू जीरो प्लस समीशन एन वेरीज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी और ये टर्म ऐसे ही आ रही है जी एन पाए एच ओवर एल और एन पाए सी ओवर एल एन पाए सी ओवर एल ए वन एन साइन ऑफ एन पाए सी ओवर एल टी ऑफकोर्स यहाँ पे एक माइनस साइन भी आ जाएगा एन प्लस एन पाए सी ओवर एल ए टू एन और इसका डेरिवेटिव होता है क्रॉस ऑफ एन पाए सी ओवर एल टी जी। यार अब जो मेरे पास इसकी इक्वेशंस थी यहां से मैं आप देख सकते हो कि मैं कैसे फाइंड आउट करूंगा कि यू ऑफ एच जीरो मेरे पास एफ ऑफ एच था यू ऑफ एच जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ एच एंड यू ऑफ एच एल नो यू यू टी ऑफ एच जीरो इज इक्वल टू जी ऑफ एच सी। ये मेरे पास दो इनिशियल कंडीशंस थी। ठीक है, तो इन दोनों इनिशियल कंडीशंस को मैं यूज करूंगा यहां पे तो यू ऑफ एच जीरो इस इक्वेशन में टी टू जीरो रखो तो फ्रॉम 13 मेरे पास आ जाएगा एफ ऑफ एच इज इक्वल टू टी जीरो हो रहा है तो ये टर्म जीरो हो जाएगी तो दिस इज ए वन जीरो प्लस समीशन एन वेरीज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी साइन जीरो देखो ये टी जीरो करोगे तो साइन जीरो जीरो हो जाएगा और क्रॉस जीरो जो होता है वो वन हो जाएगा। ठीक है, क्रॉस जीरो जब वन हो जाएगा तो ये ए वन एन दिस इज नथिंग बट ए वन एन क्रॉस ऑफ एन पाए अवर एल एच और दिस इज अ फोरियर सीरीज दिस इज अ फोरियर सीरीज ऑफ एफ ऑफ एक्स और फोरियर कोफिशिएंट आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हो जी। सो फ्रॉम 14 यू सी दैट इफ यू डैश ऑफ एच टी को मैं टी एच जीरो देता हूँ ये जो मेरे पास कंडीशन है यू डैश ऑफ एच जीरो आर यू टी ऑफ एच जीरो तो मीन टी को फिर मैं जीरो लेता हूँ तो टी को जीरो लिया तो साइन जीरो जीरो और क्रॉस जीरो वन तो मेरे पास जो बचा और इसकी वैल्यू टू इक्वल टू जी ऑफ एच सो दिस इज जी ऑफ एच इज इक्वल टू ए टू जीरो प्लस समीशन एन वेरीज फ्रॉम वन टू इन्फिनिटी एन पाए सी ओवर एल ए टू एन क्रॉस ऑफ एन पाए सी ओवर एल टी। ये मेरे पास दो इक्वेशन आ गई। ठीक है, अब दिस इज अ फोरियर सीरीज फोरियर कोसाइन सीरीज दोनों फोरियर कोसाइन सीरीज हैं बट विद डिफरेंट कॉन्स्टेंसी तो ए वन जीरो इज वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड यू कैन राइट डायरेक्टली ए वन जीरो इज वन बाई एल फ्रॉम दिस इक्वेशन ए वन जीरो। इसको मैं इक्वेशन नंबर 15 कह लेता हूँ जी बजाय स्टेटर में इसको तो फ्रॉम 15 ए वन जीरो इज इक्वल टू वन ओवर एल जीरो टू एल एफ ऑफ एच डी एक्स जी और इसको मैं इक्वेशन नंबर 17 कह देता हूँ और ए टू जीरो दिस इज इक्वल टू नथिंग बट लुक ए ए पहले मैं इसी को देख लेता हूँ ये चले इसको देख लेते हैं ए टू जीरो ए टू जीरो इज इक्वल टू वन बाई एल वन बाई एल जीरो टू एल
जी ऑफ एक्स डी एक्स जी, इसको मैं इक्वेशन नंबर 18 दिया देता हूँ। और सिमिलरली इक्वेशन नंबर जो 15 से मैं ए वन एन की वैल्यू भी दे सकता हूँ, इक्वेशन नंबर 16 से मैं ए टू एन की वैल्यू लेता हूँ जी, तो वो मैं लिखता हूँ यहाँ पर। सो ए वन एन जो हो रहा वो इक्वल्स टू 2/L 0 to L एफ ऑफ एक्स क्रॉस ऑफ एन पाई एक्स ओवर एल डी एक्स, और इसको इक्वेशन नंबर 19 दे देता हूँ। और सिमिलरली इक्वेशन 2N जो हो रहा, देखिए 2N थोड़ा सा डिफरेंट हो रहा, वाई यहाँ पे ये टर्म इन्वॉल्व है, ठीक है, तो इसको मुझे डिवाइड करना पड़ेगा इस साइड पे, तो दिस इज इक्वल्स टू नथिंग बट ए टू एन ओवर टू एन पाई सी ओवर एल इन टू एल 0 to L जी ऑफ एक्स क्रॉस ऑफ एन पाई एक्स ओवर एल डी एक्स, एंड दिस इज इक्वल टू 2/ सी एन पाई 0 to L जी ऑफ एक्स क्रॉस ऑफ एन पाई एक्स ओवर एल डी एक्स। सो आप देखें स्टूडेंट्स फ्रॉम 17, 18 and 19 and 20 वी कैन एंड गेट द कोफिशियंट ऑफ दिस पर्टिकुलर सीरीज। तो इस ये जो सोल्यूशन है, आई मस्ट से दिस इज अ सोल्यूशन इक्वेशन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 को मैं सोल्यूशन मानता हूँ, प्रोवाइडेड के ए वन जीरो भी कैलकुलेट हो जाए फ्रॉम दिस फार्मूला, ए टू जीरो फ्रॉम दिस फार्मूला, एंड ए वन एन एंड ए टू एन फ्रॉम द अदर फार्मूला ऑन दैट स्लाइड। सो इक्वेशन 13 इज माई सोल्यूशन, इक्वेशन 13 इज माई फाइनल सोल्यूशन प्रोवाइडेड I can calculate a 10, a 20, a 1n, a 2n, ये जो सारे के सारे provided all these coefficients are calculated through, provided all these coefficients are calculated with the help of equations, equation 17 to equation 20. So students, अब मैं एक एग्जाम्पल करता हूँ, उस एग्जाम्पल में डेफिनेटली मैं एक पर्टिकुलर एक प्रॉब्लम उठाता हूँ और मैं डायरेक्ट जस्ट एक कोफिशियंट कैलकुलेट करूंगा और उसके बाद रेस्ट में आपके लिए छोड़ दूंगा जी, ठीक है, हाउ टू गेट द कोफिशियंट्स। एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, मेरे पास जगह है, तो मेरी जो एग्जाम्पल है समथिंग लाइक दैट के पार्श यू टी टी ऑफ एच टी दिस इज इक्वल टू यू एच एच ऑफ एच टी एंड यू ऑफ एच ऑफ जीरो टी दिस इज इक्वल टू जीरो एंड यू एच ऑफ वन टी दिस इज इक्वल टू जीरो एंड यू एच ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो एंड u t of x 0 this is equals to nothing but piecewise function again में ले रहा हूँ minus 1 to 0 और जब कब हो रहा जब x मेरा इस length में हो रहा जी 1/4 और 3/4 के दरमियान x हो रहा तो उसकी velocity ये हो रही अदरवाइज ये 0 हो रहा जी। सो स्टूडेंट्स लकीली इस एग्जाम्पल में मेरा f of x देख रहे हैं दिस इज माई f of x मेरा 0 है। सो अगर मेरा एफ ऑफ एक्स जीरो है तो दिस मीन्स ए वन एन जीरो है एंड गो टू प्रीवियस स्लाइड ए वन जीरो जीरो है जी, ठीक है, तो मैं इसके जो यहां पे लिखता हूं सॉल्यूशन, तो यहां पे हेयर मैं दरमियान में एक लाइन इस स्लाइड पे खत्म करने की कोशिश करता हूं। हेयर C is equal to 1 and L is equal to 1 and so the solution is given by equation 13 of the two slides before and I must write the solution again. U of X T is equal to A 10 plus A 20 of T plus summation N varies from 1 to infinity cos of N pi X A 1n
cos ऑफ n पाए टी, एल मेरा वन हो गया, सी मेरा वन है तो एन बाय सी ओवर एल सी और दिस बोथ आर ड्रॉन, सो प्लस ए टू एन साइन ऑफ एन पाए टी ये आ गया मेरे पास. और अब मेरा जो ए वन जीरो बना वो है वन बाई एल जीरो टू एल एफ ऑफ एक्स डी एक्स एंड ऑफकोर्स दिस इज समथिंग लाइक दैट जीरो टू एल, ये जीरो आ गया तो दिस होल थिंग इज इक्वल टू जीरो. सिमिलरली ए वन एन जो हो रहा है वो टू ओवर एल जीरो टू एल, यहां से भी मैं देख सकता हूं एफ ऑफ एक्स क्रॉस ऑफ एन पाई एक्स डी एक्स एंड सिंस एफ ऑफ एक्स इज जीरो, वाई एफ ऑफ एक्स इज जीरो, इफ दिस गो टू दिस प्रीवियस स्लाइड यू कैन सी दैट हियर दिस इज माई एफ ऑफ एक्स दिस इज जीरो. So this whole term 2 by L 0 to L 0 into cos of n pi h dx, so this is 0, a1 n b 0 ho gaya. Ab a2 n calculate karta hu, a2 n is my 1 by L 0 to L g of h dx. Theek hai, main g of h ko main yahan pe dobara likhna chahunga. G of h mera kya tha? Look at this. This is my g of x. So this is minus 1 and 0. Ye main yahan pe likhta hu minus 1 when x belongs to 3 by 4 to 1 by 4 and this is 0 otherwise. To yahan se dekhe mujhe apne, of course this l is now 1 ji. Theek hai, this l is now 1 ji. ठीक है, तो ए टू एन को मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, ए टू एन इज इक्वल टू जीरो टू वन बाई फोर जी एफ एच टी एच, मैं से तीन इंटरवल बना लूंगा ना, कैसे मैं यहां पे लेता हूं, अगर ये मेरा जीरो है ये मेरा वन वन है तो वो कह रहे थे थ्री बाई फोर सॉरी वन बाई फोर और थ्री बाई फोर के दरमियान आपके पास माइनस वन है, तो मैं एक ये इंटरवल बना लूंगा, एट ये इंटरवल बना लिया और एट ये इंटरवल बना लिया. ठीक है, ये तीन इंटरवल बना लूंगा, क्योंकि इन तीन इंटरवल्स की हेल्प से फिर मैं इसको सॉल्व कर सकता हूँ. प्लस वन बाई फोर थ्री बाई फोर जी एफ एच डी एच प्लस थ्री बाई फोर टू जीरो जी एफ एच डी एच एंड नाउ जी एफ फॉर दिस इंटरवल जीरो टू वन बाई फोर इज जीरो, सो दिस इज जीरो प्लस वन बाई फोर थ्री बाई फोर इस इंटरवल के लिए उसने वैल्यू दी हुई है दैट इज माइनस वन डी एक्स एंड दिस होल थिंग अगेन जीरो जी. तो दिस इज माइनस एक्स वन बाई फोर टू थ्री बाई फोर एंड दिस इज ए टू नॉट नॉट एन ए टू नॉट ए टू नॉट वाई लुक एट दिस ए टू एन जो था वो तो इस तरह की शेप थी ए टू नॉट था जी वो. ठीक है, तो ये हल्तियां फौरन पटली जाती हैं अगर आप करो तो माइनस थ्री बाई फोर माइनस वन बाई फोर दिस इज माइनस टू बाई फोर एंड दिस इज माइनस वन बाई टू जी. तो ए टू नॉट इज दिस थिंग जी. अब ए टू एन कैलकुलेट करना है तो ए टू एन मैं यहां पे कैलकुलेट कर लेता हूं. तो ए टू एन दिस इज इक्वल टू वन ओवर सी यहां पे वन है तो टू एन पाए जीरो टू वन जी ऑफ एच क्रॉस ऑफ एन पाए एच डी एच. जब ये मेरे पास आ गया तो इसको अगेन मुझे ब्रेक करना पड़ेगा. ये मैं ये एग्जांपल पर्टिकुलरली इसलिए बता रहा हूं कि डिटेल से कर रहा हूं, वरना मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन भी लिख लेता और आपके लिए छोड़ देता. मैं जस्ट यहां बताना चाहता हूं कि पीस वाइज इंटीग्रल पीस वाइज फंक्शंस को आप इंटीग्रेट कैसे करते हो. ठीक है, सो दिस इज एन पाए जीरो टू वन बाई फोर जी ऑफ एक्स क्रॉस ऑफ एन पाए एक्स डी एक्स एंड ऑफकोर्स दिस इज अ ब्रैकेट प्लस सॉरी वन बाई फोर to 3 by 4 g of x cross n pi h dx and plus 1 by 4 3 by
और 3/4 टू 0 जी ऑफ एच cos of n pi h dx, and this is nothing but 2 n pi, this is 0, इस इंटरवल के लिए g of h मेरे पास 0 है और इस इंटरवल के लिए भी 0 है, तो I am left only with this interval 1/4 to 3/4, इसलिए इंटरवल की वैल्यू -1 थी, cos of n pi h dx, so this is -2/n pi, cos इंटरवल होता है, sin n pi h over n pi h, तो pi तो मिस हो गया ना, तो n pi 1/4 to 3/4, ठीक है, तो जब आप ये लिखोगे, it is something like that, this is equals to minus 2 over n square pi square, value substitute करो तो sin 3 n pi by 4 minus sin n pi by 4, ये n pi और n pi को मैंने multiply कर लिया, तो ये n square pi square बन गया है. So students, मैं यहाँ पे एक बार जानता हूँ कि sin alpha, ये फार्मूला एफ एस सी का, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा, दिस इज बेसिकली नथिंग बट इक्वल्स टू साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर टू क्रॉस अल्फा प्लस बीटा ओवर टू, ठीक है, तो ये फार्मूला अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, साइन 3 n pi/4 माइनस साइन n पाई बाई 4, तो ये आ जाएगा, इसको मैं यहां पे लिखता हूं साइन ऑफ अल्फा 1/2, तो बाहर आ गया, तो अल्फा माइनस बीटा इज दिस माइनस दिस 3 n pi/4 माइनस n पाई बाई 4, और फिर क्रॉस ऑफ बीटा जो है वो उसका आंसर आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा, तो क्या हो गया यार, cos of alpha क्या 1/2, alpha क्या है 3 n pi/4 minus n pi by 4, इसको सिंप्लीफाई करो तो sin of this is equal to 2 n pi by 4, तो n pi by, चलो मैं लिख लेता हूँ, 2 n pi/4 cos of this must be plus sign, sorry. So 1/2 into 4 n pi/4 ये आ गया, और ये देखिए 2 और 2 कैंसिल हो गया, तो sin n pi/4 into cross n pi/2 जी, cross n pi/2, this is equals to इसको इक्वेशन नंबर में क्या दूं, इक्वेशन नंबर 12 दे देता हूँ, आई डोंट नो कि मैंने इससे पहले इक्वेशन से नाम दिए कि नहीं दिए, इसको मैं स्टार दे देता हूँ, तो इसकी वैल्यू, इस स्टार की वैल्यू को मैं यहाँ पे सब्सिट्यूट करता हूँ, और वन मोमेंट आई जस्ट मिस द 2 हियर, दिस 2 and of course then 2 comes here as well, 2 comes here, 2 comes here, so this 2 makes this minus 4, minus 4 over n square pi square, this is a2n, minus 4 over n square pi square, and this is sine n pi/4 and cross n pi/2. So students, aap dekho mere paas ye aa gaya, ye formula aap prove bhi kar sakte ho, this formula, ye to basic formula hai, और इस तरह के फार्मूले इसलिए मुझे अच्छे लगते हैं कि मैं इनको फॉरन वेरीफाई भी कर सकता हूँ, आप इसको ओपन करके वेरीफाई भी कर सकते हो जी. सो ये a2n आ गया, a2 मेरे पास पहले ही आ गया था, वो था -1/2, तो इनकी वैल्यूज में जब सब्सिट्यूट करूंगा, इसको मैं लेट्स से इक्वेशन नंबर स्टार डबल स्टार कह देता हूँ, और इसको मैं
ट्रिपल साल्ट रहता हूँ, तो इनकी वैल्यूज अब मैं अपनी इस सॉल्यूशन में सब्स्टिट्यूट करूंगा कि सॉल्यूशन में जी इस वाले सॉल्यूशन में लेट से इसको मैं वन कह देता हूँ फॉर अ मोमेंट, तो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ दिस ए वन, इसको मैं लेट से टू कहता हूँ, इसको मैं लेट से थ्री कहता हूँ, और ए टू नॉट ये इसको मैं फोर कहता हूँ, और इसको मैं फाइव फिट कह देता हूँ, ठीक है ना, ताकि एक वो रहे नॉट दिस वन दिस वन फाइव दिस वन फाइव सॉरी बहुत रन मच गया यहाँ पे दिस इज फाइव जी. सो सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन फ्रॉम टू टू फाइव इन इक्वेशन वन, सो सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यूज ऑफ बल्कि ये ज्यादा बेहतर है द वैल्यूज ऑफ ए वन जीरो ए टू जीरो ए वन एन ए टू एन इन द इन द इक्वेशन वन we obtain the final solution u of h t, this is equal to minus t by 2 minus summation n values from 1 to infinity 4 by n square pi square sine of n pi by 4 cos of n pi by 4 n pi by 2 sorry 2 and cos of n pi h sine of n pi t g. So this is your answer, your final solution आ गया आपके पास. So ये तो थी example students जो हमने wave equation के साथ की, और इसके बाद में wave equation का topic खत्म करता हूँ. अब मैं थोड़ा सा introduction आपको दूंगा Laplace equation के ऊपर, और उसका जो criteria है वो मैं आपको समझा देता हूँ, और ना सिर्फ समझाता हूँ बल्कि उसकी एक एग्जांपल भी मैं कर देता हूँ ताकि आपके लिए आपको सहूलत रहे उसको कैसे हम डील करते हैं. और आई थिंक ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट्स में शायद उसकी एग्जांपल मुकम्मल ना कर सकूँ, अगर मैंने कर दी तो वेल एंड गुड, अदरवाइज मैं उस एग्जांपल को नेक्स्ट क्लास में भी लेके जाऊँगा, ठीक है. तो आप काइंडली जो इससे साथ रिलेटेड आपको मैं असाइनमेंट्स एंड क्विजेज सॉरी असाइनमेंट्स एंड होमवर्क दे रहा हूँ, प्रॉब्लम शीट्स दे रहा हूँ, आप उनको प्लीज फोकस करें, उनको करें, ठीक है. मैं ये जरूर कहूँगा कि ये प्रोसीजर जो है थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन आप जब दूसरे मेथड से साथ कंपेयर करोगे तो फॉर अ होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन दिस मेथड इज क्वाइट यूजफुल, और जहां तक नॉन होमोजीनियस की बात है तो उनको हम होमोजीनियस में कन्वर्ट कर सकते हैं फॉर विद सम सर्टेन लिमिटेशंस ऑफ कोर्स, और वो अभी हम लैपलास इक्वेशन को जब हम डिस्कस करेंगे तो उसमें आपको वो चीज़ नजर भी आएगी. तो स्टूडेंट्स मैं बताने का ये मकसद है कि दिस मेथड इज वेरी यूजफुल एंड वेरी इफेक्टिव एंड और इसी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड काफी है, ठीक है, जैसे मैंने बताया ये कब से ये चला आ रहा है. तो आई डोंट थिंक कि आपको इसको समझने में मुश्किल पेश आ रही हो, तो अगर आपको कोई मुश्किल पेश आ रही है तो आप मैंने जितने भी एग्जांपल्स दिए हैं और जो मैंने आपको बुक्स बताई हैं फॉर एग्जांपल हैबरमैन में बहुत अच्छे अंदाज से लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स को इवन वो एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को लेकर चलता है और वो हर स्टेप को डिस्कस कर रहा होता है. तो हैबरमैन बड़ा उसने एज ए टीचर दिस इज माई जॉब टू डू सम एग्जाम्पल्स इन फ्रंट ऑफ यू, बट एज ए स्टूडेंट दिस इज योर जॉब टू लर्न दैट टू अंडरस्टैंड दैट एग्जाम्पल विद द हेल्प ऑफ दोज रिकमेंडेड बुक्स. तो जो मैंने रिकमेंडेड बुक्स आपको बताई है उनको आप जरूर करेंगे जी, ठीक है. तो अब हम चलते हैं लैपलास इक्वेशन की तरफ. सो इन लैपलास इक्वेशन लैपलासेस इक्वेशन बेसिकली मैं जो प्रॉब्लम लेता हूँ मैं बजाय सिटी में लैपलास इक्वेशन को मॉडल करूँ, मेरे पास जो हीट इक्वेशन मैंने टू डायमेंशन में मॉडल की थी आपके सामने हीट कंडक्शन प्रॉब्लम इन टू डायमेंशन, उसमें मैं ये करता हूँ कि अपना जो टाइम के साथ रेफरेंस डेरिवेटिव है मैं उसे जीरो ले लेता हूँ. और फिजिकली उसका क्या मतलब है, फिजिकली मतलब मैं इक्विलिब्रियम टेम्परेचर की बात कर रहा होता हूँ कि टाइम उसके ऊपर असरअंदाज नहीं हो रहा, यानी
वो टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा आपका टेम्परेचर, ठीक है। तो वी कंसिडर स्टेडी स्टेट हीट इक्वेशन, हीट कंडक्शन इन अ टू डायमेंशनल रीजन। टू बी स्पेसिफिक, कंसिडर द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर इन साइड अ रेक्टेंगल। हम एक रेक्टेंगल लेते हैं जिसमें हम एक्स और वाई को, हम एच की लेंथ है 0 to L, एक साइड की लेंथ 0 to L है और दूसरी साइड की लेंथ 0 to H ले लेते हैं। वेन द टेम्परेचर इज प्रिस्क्राइब्ड फंक्शन ऑफ पोजिशन ऑन द बाउंड्री, देन द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर सेटिस्फाइज लाप्लास इक्वेशन विद द फॉलोइंग बाउंड्री कंडीशन। विद दिस इक्वेशन, विद द फॉलोइंग बाउंड्री कंडीशन जीस थिंग जी, यू ऑफ 0 y इज इक्वल टू जी 1 ऑफ y, यू ऑफ एल वाई इज इक्वल टू जी 2 ऑफ y, दे आर फंक्शन ऑफ एच एंड y, एंड यू ऑफ एच 0 इज ए फंक्शन ऑफ एच, एंड यू ऑफ एच एच इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ एच 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 जी। लेकिन फिजिकली क्या है, ये तो सारा मैथमेटिक्स है। फिजिकली लेट से हमारे पास ये प्लेट है, अगर आपको ये नजर आ रहा है तो ये थोड़ी सी फिर थोड़ी सी मुझे कंप्रेस कर यहाँ पे रखनी पड़ी। तो इस ये रेक्टेंगल है मेरे पास जिसकी लेंथ इन एक्स एक्सिस के थ्रू 0 to L है, ये देखें जो गिवन है 0 to L, और यहां में ये 0 to Y है जी, ठीक है। तो मेरी जो लेप्लास इक्वेशन है वो सेटिस्फाई हो रही है इस रीजन में। दिस मीन्स के यू उस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है इस पूरे रीजन में, तो हर पॉइंट के लिए वो सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है। हर पॉइंट के ऊपर एक्स और वाई के हर पॉइंट के ऊपर यू इज गोइंग टू सेटिस्फाई दिस इक्वेशन जी। और ये जो इस साइड की बाउंड्री है, जब एक्स 0 है, सॉरी वाई 0 है, इस पूरी लाइन के ऊपर वाई 0 है और एक्स जो है वो वेरी कर रहा है, तो एट एक्स 0 वाई 0 एक्स के ऊपर यू एक्स 0, ये मेरे पास F1 ऑफ एक्स बन गया जी, ठीक है। सिमिलरली जो मेरा एक्स एल है, एक्स एल एंड जो एक्स को मैंने अभी फिक्स कर लिया और वाई मेरा वेरी कर रहा है, तो दिस इज ए फंक्शन ऑफ G2 ऑफ वाई, और इट शुड बी वाई जी, इट शुड बी वाई रादर देन एक्स, सो इट्स अ टाइपिंग मिस्टेक। सो हियर यू कैन सी दैट यू एल ऑफ वाई, जब एक्स आपका एल था तो आपके पास वेर इट इज यू G2 ऑफ वाई जिस दिन जी, इस लाइन को ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है जी, ठीक है। सिमिलरली जब वाई एच था, फिक्स हो गया वाई और एच वेरी कर रहा है, दिस मीन्स दिस वन, तो ये आपके पास F2 ऑफ एच आ गया, और सिमिलरली दिस इज G1 ऑफ एच आ गया जी, ठीक है। तो ये दिस इज अ माइनर मिस्टेक विद द साइन ऑफ एच एंड वाई, सो इट शुड बी चेंज विद G1 ऑफ वाई, इट शुड बी रीड लाइक दिस, G1 ऑफ वाई एंड G2 ऑफ वाई हेयर। Here f1 of x, f2 of x, g1 of y, g2 of y are given functions of x and y only. So, इसको सॉल्व कैसे करेंगे? देखें, अब इशू क्या आ रहा है हमारे पास? इक्वेशन तो लीनियर है, ऑफ कोर्स यू कैन सी, होमोजीनियस है यू कैन सी, बट द बाउंड्री कंडीशन, एवरी बाउंड्री कंडीशन इज नॉन होमोजीनियस। तो ये तो नॉन होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन आ रही है मेरे पास, तो अब मैं क्या करूं? ऑफ कोर्स मैं इसको किसी भी तरह से मैंने सॉल्व करना है, और सेपरेशन ऑफ वेरिएबल इज अ वेरी ब्यूटीफुल टेक्निक विच प्रोवाइड्स मी सम मेथड्स, ये मैं उसको इस अंदाज से टैकल करूं तो मैं इस इक्वेशन का सोल्यूशन फाइंड आउट कर सकता हूं। रिमेंबर वी हैव लर्नड अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इन प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन वी नो दैट इफ U1 U2, U3, U4, U5, U7 all the solutions of the given partial differential equations, then the combination of all those is again a solution. So, मैं उस idea को use करते हुए, उस technique को use करते हुए, मैं अपने इस current problem को decompose कर लूंगा 4 problems मेरी, ठीक है, why in 4, बिकॉज मैं सिर्फ अगर इस रीजन को ले लूंगा तो बाकी में अगर होमोजीनियस कंडीशन, बाकी कंडीशन में होमोजीनियस ले लूं, सिमिलरली द नेक्स्ट वन के लिए मैं इसको लेके बाकी तीनों को होमोजीनियस ले लूं कंडीशंस, तो आई कैन सॉल्व माई होल प्रॉब्लम, ठीक है। कैसे, मैं आपके सामने इसको थोड़ा सा डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ, और 4 जो मेजर प्रॉब्लम यहां से निकलेंगे, फिर उनका सोल्यूशन हम कैसे देखेंगे। सो बेसिकली जो मेरा प्रॉब्लम है ओरिजिनली वो ये है, मैं दोबारा यहां पे लिख लेता हूँ, पार्शियल 2u बाय पार्शियल h स्क्वायर प्लस पार्शियल 2u बाय पार्शियल y स्क्वायर इज इक्वल टू 0।
एंड सब्जेक्ट टू द बाउंड्री कंडीशन जो मेरे पास हैं वो ये हैं. देखें रेक्टेंडल को मैं लेता हूँ, ये रेक्टेंडल लिया मैंने दिस टीम, तो या इसको मैं अगर इस साइड को मैं एक्स मानूं तो एक्स जो मेरा गिवन है वो है एक्स इज बिटवीन जीरो टू एल एंड वाई इज बिटवीन जीरो टू एच जी. तो ये जीरो है, एक्स इज इक्वल टू जीरो, इस पॉइंट को मैं एक्स इज इक्वल टू जीरो मानता हूं और इसको मैं एक्स इज इक्वल टू एल मान लेता हूं इस पॉइंट के ऊपर, तो ये लेंथ मेरी एल बन जाएगी. अगर ये लेंथ एल है तो अफकोर्स ये लेंथ भी वही चीज होगी. सिमिलरली इस पॉइंट को अगर मैं वाई के रेफरेंस से जीरो मानूं और इस पॉइंट में वाई के रेफरेंस से एच मानूं तो ये मेरी जीरो टू एच लेंथ बन जाएगी. ठीक है, अब बाउंड्री कंडीशंस जो ये हैं वो मैं ये फिगर में भी एक्सप्लेन किया था, मैं दोबारा यहाँ पे बता देता हूँ कि यहाँ पे लैपलास इक्वेशन जीरो है. दिस इज नेबला स्फीयर, ये मैंने पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन नेबला जो है वो इसको मैं पार्शियल टू बाई पार्शियल एक्स स्फीयर प्लस पार्शियल टू बाई पार्शियल वाई स्फीयर इससे मैं जाहिर करता हूँ, ड्यू टू स्पेस प्रॉब्लम आई एम राइटिंग इन दिस वे. और मैं कहता हूँ इस बाउंड्री कंडीशंस के ऊपर जब मेरा एक्स वेरी कर रहा है लेकिन वाई फिक्स है, वाई क्या है जी, वाई जीरो है, तो यू ऑफ एक्स जीरो, वाई जीरो हो जाए ना इस पूरी लाइन के ऊपर, इसको मैं सम फंक्शन एफ वन ऑफ सॉरी एफ ऑफ एक्स ले लेता हूं. दिस इज जस्ट एफ एक्स जी, नो एफ वन ऑफ एक्स, क्योंकि मैंने फिर उसको उस तरह से लिखना है, यू ऑफ एक्स जीरो दिस इज इक्वल टू एफ वन ऑफ एक्स जी, एक ये कंडीशन आ गई. अब दूसरी कंडीशन क्या है, यू इस लाइन के ऊपर अगर मैं आऊं तो इस लाइन में मेरा एक्स फिक्स है, इस पूरी लाइन पे एक्स की वैल्यू एल है जबकि वाई वेरी कर रहा है, यू ऑफ एल में इसको लिखता हूं यू ऑफ एल और इसको जैसे लिखूंगा मैं यू ऑफ एल वाई, ऑफकोर्स वाई वेरी कर रहा है ना, तो इस लाइन को मैं कंपेयर करने के लिए उस इक्वेशन को इसको जी टू ऑफ एक्स कह देता हूँ. दिस इज नथिंग बट यू एल ऑफ वाई इज इक्वल टू जी टू ऑफ एक्स. सिमिलरली ये जो लाइन है ऊपर वाली, इसमें एक्स वेरी कर रहा है लेकिन वाई फिक्स है, तो वाई एच ऑफ एच एंड दिस इज इक्वल टू इसको मैं एफ टू ऑफ एक्स कह देता हूँ. एफ टू ऑफ एक्स क्योंकि देखें ना यहाँ पे वाई फिट्स है, तो ये ऑफकोर्स दिस मस्ट बी अ फंक्शन ऑफ यू ऑफ एच एच जी. और सिमिलरली इस लाइन के ऊपर मेरा एक्स फिट्स है और वाई वेरी कर रहा है, तो इसको मैं एक्स की वैल्यू क्या थी जीरो और वाई इज इक्वल टू इसको मैं जी वन कह देता हूँ. ठीक, और इसको मैं एफ टू ऑफ एक्स एंड यू ऑफ जीरो वाई इज इक्वल टू जी वन ऑफ एक्स जी. तो अगर मैं इन इक्वेशन को रीअरेंज करके लिखूं तो इट्स समथिंग लाइक दैट यू ऑफ एक्स जीरो इज इक्वल टू एफ वन ऑफ एक्स, यू ऑफ एक्स एच इज इक्वल टू एफ टू ऑफ एक्स, यू ऑफ जीरो एल नो जीरो वाई दिस इज जी वन ऑफ एक्स एंड यू ऑफ एल वाई दिस इज जी टू ऑफ एक्स. ये वो प्रॉब्लम था, ये जस्ट रीअरेंज किया जी मैंने यहां में. ठीक है, जस्ट मैंने रीअरेंज किया है और ये मेरे पास आ गया, ये बाउंड्री कंडीशंस आ गई जी. अब मैंने इनको एड्रेस करना है तो मुझे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन पता है. अगर मैं अपने इस प्रॉब्लम को चार डिफरेंट प्रॉब्लम में डिकम्पोज कर लूं, वो कैसे करता हूँ मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ. तो जो लेट से यू वन भी सोल्यूशन है, यू टू भी सोल्यूशन है, यू थ्री भी सोल्यूशन है, यू फोर भी सोल्यूशन है, तो उस प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन दिया जाता है कि यू इज इक्वल टू यू वन प्लस यू टू प्लस यू थ्री प्लस यू फोर, ये भी सोल्यूशन हो रहा, इनका एडिशन भी सोल्यूशन हो रही. ठीक है, तो मैं अपने इस प्रॉब्लम को डिकम्पोज करता हूँ इन अ वे, इसको मैं जी यहां से स्टार्ट करता हूँ. प्रॉब्लम को मैं ज्योमेट्रिकली डिकम्पोज पहले करता हूँ ताकि आपको समझ आए कि ज्योमेट्रिकली क्या हो रहा है जी. ठीक है, यहाँ पे ये मैं पूरी इक्वेशन वही लिख देता हूँ, यू ये मेरा जनरल प्रॉब्लम है जी. ठीक है,
u is equal to f1 of x, this is u is equal to g1 of y, and this is u is equal to f2 of x. ठीक है, ये मेरे पास प्रॉब्लम था, इसको मैं डीकम्पोज करता हूँ u1. अब मैं u1 अगर में लेता हूँ तो u1 की मैं खासियत ये रखता हूँ कि u1 जो है द प्रॉपर्टी ऑफ u1 ये है कि वो यहाँ पे सेटिस्फाई तो करेगा इनसाइड, लेकिन उसकी जो बाउंड्री पॉइंट्स होंगे u1 इज इक्वल टू f ऑफ x, यहाँ पे u1 इज इक्वल टू जीरो, u1 इज इक्वल टू जीरो एंड u1 इज, बाकी तीनों साइड्स के ऊपर वो टेम्परेचर u1 के जो सोल्यूशन है वो जीरो हो रहा है. ठीक है, यानी मैंने डीकम्पोज इस तरह किया कि इस साइड के ऊपर तो मैंने ये कंडीशन ले ली, लेकिन इस साइड के ऊपर इन तीनों साइड के ऊपर मैंने उसको जीरो कर दिया. अब मैं जो दूसरा सोल्यूशन लेता हूं, आई डोंट फिगर से नहीं बन रही तो आप इसे एक्सेप्ट करें, दिस इज ए रेक्टेंगल जिसमें ये साइड और ये साइड आपस में बराबर है, समथिंग लाइक दैट. सो इसमें मैं कहता हूं u2 इज इक्वल टू जीरो, जब u2 इज इक्वल टू जीरो हो रहा तो मैं कहता हूं u2 यहां पे जीरो है, यहां पे g2 है, यहां पे u2 भी जीरो है और यहां पे u2 जीरो है. इन सिमिलर वे यहां पे तीसरी जो रेक्टेंगल में बना रहा हूं उसमें मैं u3 लेता हूं जी, और कहता हूं इन साइड द रेक्टेंगल तो वो लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, लेकिन इस बाउंड्री पे वो होमोजीनियस कंडीशन दे रहा है, यहां पे भी वो होमोजीनियस है और यहां पे वो एफ टू है जी, और यहां पे वो अगेन जीरो है जी. सिमिलरली द लास्ट थिंग फोर्थ, दिस इज जीरो, तो u4 को मैं यहां पे जीरो ले लेता हूं, u4 को मैं यहां पे जीरो, u4 यहां पे जीरो और u4 ये g1 के इक्वल आ गया. अब इन चारों रेक्टेंगल्स को आप जमा करें, देखें जीरो प्लस g2 प्लस जीरो प्लस जीरो, तो इस साइड पे g2 ही रहेगा मेरे पास, ये मेरी बाउंड्री कंडीशन यही रहेगी. ऐड करें u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 gives me f2, सेम सिमिलरली ये साइड u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4, g1 देना चाहिए मुझे उसको, g1 देना. तो प्रॉब्लम कुछ इस तरह से बन जाएगा, चार प्रॉब्लम बनेंगे. इसकी जो पीडीई होगी, इसकी जो पीडीई है वो है नेबला स्फीयर u इज इक्वल टू जीरो, एंड इसकी जो बाउंड्री कंडीशंस हैं वो हैं u इज इक्वल यू ऑफ, इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, ऑफकोर्स दिस इज माई यू ऑफ एच जीरो, एच जीरो दिस इज एफ वन ऑफ एच, देन यू ऑफ एच एल दिस इज एफ टू ऑफ एच, देन यू ऑफ जीरो वाई, जीरो वाई मीन्स जे वाली, तो जी टू और u ऑफ एल वाई इज इक्वल टू जी वन जी. तो ये आपके पास एट आ गया जी. आप देख रहे हैं ये प्रॉब्लम था जिसमें ये चारों नॉन होमोजीनियस थी. तो डेल्टा स्क्वायर u1 इज इक्वल टू जीरो, इसी पी डी ये बनेगी, और यहां पे u1 ऑफ x जीरो दिस इज f f1 ऑफ कोर्स दिस इज f1 ऑफ x, एंड u2 ऑफ x जीरो एच एच एल, बट वाई इज फ्रॉम जीरो टू एच, सो दिस इज एच जी, सॉरी मुझसे थोड़ी सी मिस्टेक हुई, जीरो टू एच दिस इज जीरो, यू थ्री यू वन ऑफ, ऑफकोर्स हम यू वन में बात कर रहे हैं, यू वन ऑफ जीरो वाई दिस इज जीरो, एंड यू वन ऑफ एल वाई दिस इज अगेन जीरो, ये जीरो आ गया. सिमिलरली जब मैं इस प्रॉब्लम की तरफ जाता हूं तो यहां पे मेरी जो पीडी बनेगी वो यू डेल्टा टू यू ये बन गया, और इसमें देखें यू टू जो है यू टू ऑफ एक्स जीरो दिस इज जीरो, यू टू ऑफ एक्स एच दिस इज जीरो, यू वन ऑफ जीरो वाई
दिस इज जीरो बट यू टू ऑफ एल वाई एट्स एल पे था, तो फिर से दिस इज जी टू ऑफ वाई जी, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास। सिमिलरली इस इक्वेशन को जब मैं देखता हूं तो दिस इज डेल्टा स्क्वायर यू थ्री इज इक्वल टू जीरो, तो यहां पे u3 ऑफ h0 दिस इज इक्वल टू जीरो, u3 ऑफ hh hh बेसिकली f2 है जी, डेफिन y h है तो h वेरी कर रहा है, तो दिस इज f2 ऑफ h एंड दिस इज u3 ऑफ जीरो y दिस इज जीरो एंड u3 ऑफ एल वाई दिस इज अगेन जीरो जी, दिस इज यू टू ऑफ एल वाई मीन्स एक्स एल था तो ये जीरो है, तो ये चीज जीरो आ गई थी, ठीक है। अब डेल्टा स्क्वायर यू फोर इज इक्वल टू जीरो, तो मेरे पास आ रही इक्वेशन ये भी जीरो ये भी जीरो ये भी जीरो, तो यू फोर ऑफ एक्स जीरो दिस इज जीरो, यू फोर ऑफ एक्स एच दिस इज जीरो, u4 ऑफ जीरो y x जीरो था दिस इज x जीरो लाइन, u4 को मैं ये ले रहा हूं, ये मैंने जीरो लिया, u4 ऑफ जीरो y दिस इज जी वन ऑफ y एंड दिस इज u4 ऑफ एच वाई दिस इज जीरो, दिस इज u4 जीरो। अब इन सब को अगर आप कंबाइन करें तो u1 प्लस u2 प्लस u3 प्लस u4 गिव्स यू दिस इक्वेशन, इसको मैं डबल लाइन में शामिल डाल लेता हूं, और u इसके जो बाउंड्री कंडीशन है h0 के ऊपर f1 0 प्लस 0 प्लस 0 डिस्टेंस जीरो प्लस जीरो एफ टू इंटू जीरो, और ये ज्योमेट्रिकली मैंने आपको ऊपर एक्सप्लेन किया कि हाउ टू राइट दिस थिंग्स। तो अब बेसिकली मैंने क्या करना है, अब मैंने इस इक्वेशन इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, द फर्स्ट वन द सेकेंड वन द थर्ड वन द फोर्थ वन, इन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है और इनको लाइक यहाँ पे एड करना है, फिर उनकी वैल्यूज को यू वन की वैल्यू आएगी, यू टू की आएगी, यू थ्री की आएगी, यू फोर की आएगी। अब ऐसा किया क्यों, हमें फायदा क्या हुआ, व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ होल दिस एक्सरसाइज, द बेनिफिट इज दिस, लुक एट दिस, हेयर इन वाई यू हैव होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन, हेयर इन एक्स यू हैव अ होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन, हेयर अगेन इन वाई यू हैव अ होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन एंड हेयर इन एक्स यू हैव अगेन होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन। तो आपके पास जब होमोजीनियस बाउंड्री कंडीशन आ रहे हैं एटलीस्ट एट में आ रहे हैं, तो आप दूसरे को टैकल कर सकते हो उसके रेफरेंस से, ठीक है। तो आपके पास एट वेरिएबल में होमोजीनियस कंडीशन का होना बहुत जरूरी है, जैसे आपने देखा जब पिछले जितनी भी हमने एक्सरसाइजेस की वो एक्स के रेफरेंस से होमोजीनियसली थी, ठीक है, या टी के रेफरेंस से होमोजीनियसली थी, लेकिन हमने ज्यादातर प्रैक्टिस में ये किया था कि हमने एक्स के रेफरेंस से होमोजीनियस ली थी, ठीक है। तो अब हम एक्स में भी होमोजीनियस हो रही है, वाई में भी होमोजीनियस हो रही है, तब और इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का मकसद है इस वाले क्वेश्चन को, ये जो इस फर्स्ट रेक्टेंगल में जीवन है, आई हैव टू सॉल्व दिस फोर रेक्टेंगल्स, हमें इन चारों को सॉल्व करना है जी, ठीक है। एंड ऑफकोर्स टूडे मे बी इट इज नॉट पॉसिबल टू सॉल्व दिस फोर एग्जाम्पल्स, लेकिन मैं इसका आइडिया दे देता हूँ। लेट से अगर मैं इक्वेशन फोर लेता हूँ, तो अब लेट से मैं इस फोर को लेता हूँ, तो इसका जो क्राइटेरिया है वो अब मैं उसको मैं यहाँ पे दोबारा लिखता हूँ, तो पार्शियल टू यू फोर बाई पार्शियल टू एच स्क्वायर प्लस पार्शियल टू यू फोर बाई पार्शियल वाई स्क्वायर इज इक्वल टू जीरो, जी आपके पास लैपलास इक्वेशन आ रही इन यू फोर, और इसकी जो बाउंड्री कंडीशन हैं वो समथिंग लाइक दैट, u4 ऑफ x0 इज इक्वल टू जीरो, लुक मोमेंट आई हैव टू चेक, x0 जीरो यानी इस लाइन पे जीरो है और इस लाइन पे वो जीरो है,
और देन यू एच वाई, इस लाइन पे भी वो जीरो है और इस लाइन पे वो मुझे कुछ गिवन कर रहा है जी. यू ऑफ एच जीरो इज जीरो, यू फोर ऑफ एच एल इज इक्वल टू जीरो, यू फोर ऑफ जीरो एच जीरो वाई इज इक्वल टू जी वन ऑफ वाई जी, और यू फोर ऑफ जीरो एच एफ वाई ये भी जीरो हो गया जी. ठीक है, तो ये मेरे पास इसका सोल्यूशन आ रहा है. अब मैं इसको सोल्यूशन कैसे फाइंड आउट करूंगा, देखें सोल्यूशन में ऐसे फाइंड आउट करूंगा कि मैं यू ऑफ एच वाई को एच डबल वाई एच ऑफ एच एंड वाई ऑफ वाई में लेता हूँ जी. तो u डबल बार ये आ गया, तो यहां से जब ये इक्वेशन में मैं सब्सिट्यूट करूंगा तो पार्शियल 2 बाई पार्शियल एच स्क्वायर एच वाई प्लस पार्शियल 2 बाई पार्शियल वाई स्क्वायर एच वाई इज इक्वल टू जीरो. मैं कुछ डिस्कशन में आज पे छोड़ता हूँ और कुछ मैं कल करूंगा, ठीक है, इसी प्रॉब्लम को लेके थोड़ी देर के लिए, और उसके बाद फिर हम जो नेक्स्ट टॉपिक है हम उसी तरफ जाएंगे. लेकिन मैं क्या डिस्कस करना चाहता हूँ आज, वो मैं ये डिस्कस करना चाहता हूँ कि जब आप इसको सॉल्व करते हो तो दिस इज एच डबल प्राइम वाई प्लस एच वाई डबल प्राइम इज इक्वल टू जीरो, एंड देन यू हैव समथिंग लाइक दैट एच डबल प्राइम ऑफ एच प्लस वाई डबल प्राइम ऑफ वाई दिस इज इक्वल टू जीरो. और जब आप इसको सॉल्व करोगे यस, तो आपके पास आप इसको सेपरेट करो तो दिस इज इक्वल टू माइनस वाई डबल प्राइम ऑफ वाई. अब माइनस लैम्डा लेता हूं ऑर्डर में. देखिए मैंने इससे पहले जब मैं हमेशा माइनस लैम्डा लेता था सेपरेशन ऑफ कांस्टेंट में, सेपरेशन कांस्टेंट जो था उसमें माइनस लैम्डा लेता था. अब मैं माइनस लैम्डा नहीं लेना चाहता, और उस वक्त क्यों लेता था, मैंने क्या रीजन दी थी, जस्ट फॉर माय कन्वीनियंस. ठीक है, अब मैं क्या रीजन दूंगा, जस्ट माय कन्वीनियंस. लेकिन साथ एक और बात भी बता दूं कि क्योंकि यहां पे माइनस आ रहा है तो इस वजह जब मैं इसको डील करूंगा तो ये इस साइड पे आ जाए फिर मुझे प्लस में वैल्यू दे देगा. ठीक है, माइनस में तो एक माइनस आ रहा है तो मैं इसको प्लस लेमडा मानूंगा जी. लेकिन ऑफकोर्स इन दिस केस माई लेमडा मस्ट बी लेस देन जीरो जी. ठीक है, अब इससे पहले मैं माइनस लेमडा लेता था और साथ ही कह देता लेमडा पॉजिटिव है जी. ठीक है, अब मैं लेमडा पॉजिटिव ले रहा हूं और लेमडा को मैं लेस देन जीरो कह दूंगा. इट्स द रीजन माय कन्वीनियंस, क्योंकि ये बहुत सारी कैलकुलेशंस को आसान कर देता है. ठीक है, इजी कर देता है, कन्वीनियंट कर देता है. तो यहां से मेरे पास जो दो इक्वेशन आएंगी वो आएगी एच डबल प्राइम माइनस लेमडा एच इज इक्वल टू जीरो, और यहां से दूसरी जो इक्वेशन आएगी y डबल प्राइम प्लस लेमडा y इज इक्वल टू जीरो, और यहां से जो बाउंड्री कंडीशन आएगी y ऑफ जीरो. देखें बाउंड्री कंडीशंस क्या है, u4 ऑफ जीरो y ऑल दिस वन, फ्रॉम दिस आई कैन गेट द वैल्यू. नहीं, u4 ऑफ h0, u4 ऑफ h0, दिस इज एच ऑफ एच वाई ऑफ जीरो दिस इज इक्वल टू जीरो. अब देखिए यहां से मैं वाई ऑफ जीरो की वैल्यू ले लूंगा, क्योंकि एच ऑफ एच तो जीरो हो नहीं सकता बिकॉज मेरा जो सोल्यूशन है वो नॉट इक्वल टू जीरो होगा. तो वाई ऑफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, एंड सिमिलरली वाई ऑफ एल इज इक्वल टू जीरो आ जाएगा. तो इस इक्वेशन के रेफरेंस से मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, दो बाउंड्री कंडीशन आ गई, वाई ऑफ एल इज इक्वल टू जीरो, और इससे रेफरेंस से मेरे पास सिर्फ एट ही आएगी जी. वो क्या होगी कि एट्स ऑफ एल, यहां पे इसको देख रहे हो, एट्स ऑफ एल वो जीरो हो रहा, लेकिन एट्स ऑफ जीरो जो है वो नॉन होमोजीनियस आ जाएगी ये. तो जब नॉन होमोजीनियस आती है तो मैं क्या करता हूं, मैं पहले इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेता हूं. ठीक है, फिर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करता हूं, द सेकंड वन, वेयर इज द सेकंड वन, दिस वन, इसको मैं सॉल्व करूंगा, और सॉल्व करने के बाद जब मैं ये कंडीशंस अप्लाई करूंगा तो फिर मेरे पास फाइनल सॉल्यूशन आ जाएगा. ये एक वैल्यू का आ रहा है यू फोर का,
सिमिलरली यू थ्री यू टू यू वन, इसमें थोड़ी सी टेक्निकल रीजन है जो मैं इंशाल्लाह कल डिस्कस करूंगा। इस स्टेज ऑफ सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, मैं बेसिकली मैंने ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम इसलिए चूज किया था, ये नंबर फोर्थ। इसमें जब आप इसका सोल्यूशन लिखते हो तो आपको इसको सोल्यूशन को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ता है। तो आज आप बेसिक जो आज का काम है आपका, टूडेज एक्सरसाइज, इस पूरे फिनोमिनन को समझें, इस ज्योमेट्री को समझें। कल हम इसके सोल्यूशन की तरफ भी जाएंगे। आई विल डू द सोल्यूशन बाई माई सेल्फ, ठीक है, फॉर यू, कि मैं इसका सोल्यूशन निकालूंगा ताकि आपको पता चले कि इसमें क्या छोटा सा माइनस सा प्रॉब्लम था, उसको फिर हम कैसे एड्रेस करते हैं। ऑफकोर्स जब आप इसे सोल्यूशन की तरफ जाओगे तो मे बी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, लेकिन जो इसको प्रॉब्लम को एड्रेस कर लेगा, आई मस्ट से कि वो वाकई ही मैथमेटिक्स को सीखना चाहता है अच्छे अंदाज से, ठीक है। तो कल हम इस जहां से आज सिलसिला हमारा टूटा है, कल हम इसी टूटे हुए सिलसिले को यहां से ही जोड़ेंगे और अगला हम काम करेंगे भी, ठीक है। तो फॉर टूडेज दिस इज एनफ फॉर यू हो टू, और इसमें देखिए मैंने ये लेमडा को थोड़ा सा इसको मैंने चेंज कर दिया, अब मैं माइनस लेमडा जो है पॉजिटिव लेमडा लूंगा, बट लेमडा मेरा लेस देन जीरो होगा। तो होल एक्सरसाइज मेरी क्या बता रही है, कोई चेंज नहीं हो रहा है इसमें। देखें पहले मैं लेमडा पॉजिटिव लेता था और माइनस लेमडा लेता था, तो माइनस लेमडा क्या हो जाता था, लेस देन जीरो, ऐसी है ना। अब लेमडा पॉजिटिव है, टू पॉजिटिव है, तो माइनस टू क्या हो रहा है, नेगेटिव हो जाएगा। अब मैं लेमडा को पॉजिटिव लेता हूं यहां पर, लेकिन लेमडा लेस देन ले रहा हूं, तो एक ही चीज है बेसिकली, चीज एक ही ले रहा हूं, तो जस्ट एक उसको चेंज इसलिए आए कि मुझे यहां पे थोड़ा कन्वीनियंट हो जाता है पॉजिटिव साइन, अदरवाइज मेरे लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रॉब्लम को मैं यहां पे रोकता हूं कल तक के लिए। कल इंशाल्लाह हम जब इसको यहां से शुरू करेंगे तो फिर आप उसको बेहतर अंदाज से देख सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। और आज आप इसे ज्योमेट्री समझें प्रॉपरली, वेव इक्वेशन का जो मैंने एक्सरसाइजेस बताई हैं वो आप करें, प्रॉब्लम शीट जो साथ गिवन है वो आप करें, सो दैट आपको आपको फीलिंग राइट यू कैन डू द मैथमेटिक्स। लेकिन जब आप एक्सरसाइजेस कर रहे होते हो तो वो जस्ट आपकी प्रैक्टिस को एनहांस करती है। इनहांस इसलिए मैं बार बार लफ्ज यूज करता हूँ कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जब आप तीन चार डिफरेंट एग्जाम्पल्स उठाओगे और करोगे तो आप बड़े उसको आपके अंदर फीलिंग पैदा होगी, ठीक है, यस आई कैन डू एनी प्रॉब्लम विच समवन गिव मी, ठीक है। तो इस बात के साथ स्टूडेंट्स आपको प्रॉब्लम शीट भी आ चुकी है जो वो आप जरूर देखें, और कल इंशाल्लाह हम इसी टूटे हुए सिलसिले को यहां से शुरू करेंगे, और कल मैं इसका सोल्यूशन फाइंड आउट करने की कोशिश करूंगा, ठीक है, और आप मेरे साथ रहेंगे इंशाल्लाह। ओके, अल्लाह हाफिज, अस्सलाम वालेकुम।